इस ओलंपिक्स के पहले शायद जो स्पोर्ट्स के बारे में सोचते थे या स्पोर्ट्स पीपल थे उन्होंने ही शायद ये जेवलिन के बारे में सोचा होगा, पर अब आप एक नेशनल हीरो हो, एक सुपरस्टार हो, सो व्हाट इज दैट फील लाइक? बिल्कुल, एक इंतजार था जो एथलेटिक्स में मेडल आने का, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा था और बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ा, और मैं अपने आप को एक लकी मानता हूँ कि मैं ये देश के लिए कर पाया जी। और बिल्कुल एथलेटिक्स में तो ठीक रहा ही, अपना जो बाकी ओवरऑल स्पोर्ट्स में जो ओलंपिक्स में गए थे तो काफ़ी बहुत ही अच्छा इस बार परफॉर्मेंस किया काफ़ी सभी एथलीट्स ने, तो बहुत खुशी है। और आपका जो हॉलमार्क है, आपका जो बेंचमार्क है, वो है आपका कंसिस्टेंसी, जूनियर लेवल से एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, और सिर्फ शायद सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी बचा है इस वक्त, ओलंपिक चैंपियन हो आप। तो आपका, आपके ख्याल से कि यही आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है कि आप ये मेंटेन कर चुके हैं कई सालों के लिए कंसिस्टेंसी? मुझे लगता है कि हाँ, मैं यही बात बोलता हूँ कि मुझे जो अच्छी चीज लगती है एथलेटिक्स में या फिर अपने स्पोर्ट्स कैरियर में, मैं मानता हूँ कि एक बार 88 मीटर थ्रो करना मुझे उससे ज़्यादा पसंद होगा कि 10 बार 85 या 86 मीटर थ्रो करना। right. तो मैं मानता हूँ कि एक बार का थ्रो मैटर नहीं करता, लेकिन आप उससे 2 मीटर कम भी अगर 10 बार फेंक रहे हैं 10 कॉम्पिटिशन्स में, तो वो एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ है स्पोर्ट्स में। और मुझे लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप आगे वाली जो अगला जो कॉम्पिटिशन है उनमें भी अपना बेस्ट करने की काफी जो कोशिश करोगे वो पूरी हो सकती है। तो एक चीज बताइए, ट्रेनिंग में आपने कभी 90 मीटर पार किया है? नहीं, ट्रेनिंग में मैंने इस बार अपना बेस्ट किया था 86-87 मीटर। नहीं, पर पहले इंडिया में जब आप ट्रेनिंग करते हैं, मेरा पर्सनल बेस्ट कॉम्पिटिशन में होता है, क्योंकि जो असली जो मुझे लगता है कि जो असली जोश और जिस जज्बे के साथ वहां पे थ्रो करता हूँ तो वो ट्रेनिंग में नहीं हो पाता, और जो असली जो उधर ही होता है तो उधर ही मैं बेस्ट करता हूँ। आपका जो क्वालिफाइंग राउंड था वो बेहतरीन था, आप नंबर वन निकले वो क्वालिफाइंग राउंड पे, तो आपको उसी वक्त लग रहा था कि यू हैड अ रियल चांस बिकॉज योर फॉर्म वाज गुड? बिल्कुल, जो क्वालिफाई राउंड में जो थ्रो था वो सुबह उठ के वो क्वालिफाई राउंड के लिए हम गए और पहले ही थ्रो में क्वालिफाई हो गया और फर्स्ट पोजिशन थी क्वालिफाई राउंड में, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ, जो ये एफर्ट था ये इतना ज़्यादा नहीं था और ये बहुत ही एक अच्छे से थ्रो कर पाया, तो मुझे लग रहा था कि फाइनल में मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ, तो बेस्ट का थोड़ा सा रह गया, बेस्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो बेस्ट से कम में भी मुझे गोल्ड मेडल मिल गया तो उससे मैं सेटिस्फाइड। तो आप उस रात पहले वो कॉम्पिटिशन के पहले आप आराम से सो पाए, आप प्रिपेयर्ड थे, आपका टेंशन था क्योंकि वो टीवी में तो लग नहीं रहा था कि कोई टेंशन है आप पे? नहीं, वो जो एक दिन पहले जो है बहुत एक दिमाग में वही चीज चलती है कि कल मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है और कल कैसे मैं इसको मैं कंट्रोल कर पाऊंगा और कैसे मैं अपना यहाँ पे परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, लेकिन वो जब फाइनली वो दिन आया तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, मुश्किल से नींद आई और फिर उठने के बाद फिर पूरे रात को मैं 4 से 5 घंटे सोया था, 5 घंटे तक सोया हूँगा दिन में, फिर मैंने सोचा सुबह कि मैं अभी नींद पूरी कर लेता हूँ, मुश्किल से 1 घंटा तब नींद आई जी। तो दिमाग में पूरा दिन वही चलता रहा कि कैसे करना है और बस कोई कमी छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये आज वो फाइनली वो दिन मुझे मिला है जिसका इंतजार था, और मेरे मन में ही था कि कोई कसर नहीं रहनी चाहिए।